वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमें देश के विकास का जिक्र तो है ही, इसमें महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी गई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो यही बात नजर आई। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार का 13वां बजट है जिसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाताओं पर फोकस्ड है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है। वहीं मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है। महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ी सौगात दी है जिसमें वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3,00,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके साथ ही बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओवरकाल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। ऐसे में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाए जाएंगे। 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। हमारा लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कृषि में डिजिटल ढांचे को मजबूत करना है ताकि देश उत्पादकता की ओर और बढ़ सके। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थाओं में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10,00,000 तक किए जाने का ऐलान किया है। घरेलू संस्थाओं में हायर एजुकेशन के लिए 10,00,000 रुपए के ऋण के लिए ई वाउचर, हर साल 1,00,000 छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही युवा अपनी इंटर्नशिप पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अलग से 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। सरकार की योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी, कौशल विकास और अन्य सुविधाओं पर 2,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है रोजगार के लिए स्टार्टअप फंड टाइमर युवाओं के पीएफ में 3,000 रुपए तक योगदान करेगी। इस योग्यता स्तर पर 1,00,000 हर महीने तक सैलरी पाने वाले सामने आएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को किए गए ऐलान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।